सो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस इज अभिषेक चौधरी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज संडे है और एज यूजुअल अपन जो संडे को ब्लॉग बनाते हैं स्टार्ट कर रहे हैं, और आज हम कहीं बाहर जा नहीं रहे, इस वजह से आज हमारा कंटेंट सेम ही है वापस से। सो लेट्स गो, अभी हमने प्री वर्कआउट ले लिया, वर्कआउट फ्लोर पर चलते हैं, वर्कआउट करिए। सो गाइज, वी हैव फिनिश द वर्कआउट, और अभी वर्कआउट फिनिश करके अपन वापस से प्रोटीन वोटीन लेंगे, उसके बाद अपने पास जिम नहीं आई है टेस्ट ड्राइव के लिए, तो हम लोग टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं, विकास भाई के साथ जाने वाले हैं। चलिए विकास भाई, लेकर आइए पास 13.5 ऑलमोस्ट 13.5 नॉर्मल में है गाइज, फ्लैक्स करेंगे अब। 2 इंच बढ़ेगा, 2.5 इंच ऑलमोस्ट 15.9। तो गाइस अभी हम जिमनी का टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं, पूरा मोहल्ला जा रहा है साथ में। लेट्स गो लीजिए। सो गाइस अभी हम लोड हो चुके हैं, किधर चलना है बोलिए, जिधर चलिए चेस्ट के लिए। इधर चले या उधर, जल्दी बोलिए, जाम मिलेगा इधर, इधर चलते हैं। हैंड ब्रेक लगा हुआ है, कैमरा पीछे नहीं होगा। बाइक है,
हाय बोलो तुम लोग। हाय से फील आती है क्योंकि इसकी पूरी बेस डाउन है ना, ऊपर से लगता है कि कुछ बड़ी हैवी गाड़ी है। बोलिए आपके घर चले विकास भाई? दूर है। सीधा चले? सीधा सीधा चलते हैं। एसी नहीं है क्या इसमें? फीचर क्या क्या है बताइए थोड़ा। फीचर के बारे में थोड़ा इसमें बताइए। ऑफ रोडिंग है फुली, लाइक इसमें ऑल व्हील ड्राइव है, ये सारे इंजन सारे व्हील्स पे इसके पावर है, ठीक है। प्लस ये फाइव डोर है, थार आपका जो बता रहे हैं थार आपका वो थ्री डोर ही है। और मेन चीज़ ये थार में भी फाइव डोर आने लगी है शायद, पता नहीं, पता नहीं है। आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, तो आई नहीं। किसी भी आप लाइक मडी में हो या फिर आप ये समझे कि फुली ऑफ रोडिंग गाड़ी है। बट मैंने इसको ऑफ रोडिंग में देखा है कि जब भी वो ओवरलैप होता है स्लोपिंग होती है इंक्लाइन वाली, इस पे चढ़ने में स्ट्रगल करती है बहुत। इसमें सर एक फीचर है हील डिसेंट कंट्रोल है, इसमें आपका हील लोड असिस्ट भी है। सपोज आप किसी पहाड़ पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे आएगा। उस केस में क्या होता है कि इसको आप 2-3 सेकंड का इसमें पॉज मिल जाता है आपको, ताकि आप गियर चेंज कर सकें, ये आपका रोल ओवर नहीं होता। और सेकेंड इसमें हील डिसेंट कंट्रोल भी है, लाइक आप किसी पहाड़ पे लाइक उतर रहे हैं उस टाइम भी आपको ये हेल्प करता है ताकि अनबैलेंस ना हो गियर चेंज करने। ये फीचर है, ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है तो पावर इसका काफ़ी सही है। माइलेज वगैरह इसकी? माइलेज वगैरह आपको यही 16-17 के आसपास आपको मिल जाएगा। ये 4x4 में कितनी देगी? 4x4 में वही मिलेगा सर आपको, इसका एवरेज माइलेज वही मिलेगा सेम, 16-17 ही मिलेगा। बाकी थार से तो बहुत सही बता रहे हैं। और कुछ आप लोग जानना चाहेंगे इसके बारे में? तुम बोलो, बोलो। कंफर्ट अच्छा है? अरे तुम बोलो, इधर घूम। अरे अरे फेस छिपाना है, बोलो कैसा फील हो रहा है? कैमरा सही है ये। चलो तुम बोलो, तुम हटो, चलो आ गया, इधर आओ। सर सर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं? हाँ, अभी जस्ट स्टार्ट करा है, न्यू चैनल है मेरा। अच्छा सर, जो भी देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब सब कीजिएगा, और हाँ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से सब आदमी देख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा गाइस। हाँ। और जिमनी को भी आप देख सकते हैं, ये टेस्ट ड्राइव के लिए हमें मिली है, बट फील तो सही आ रहा है। और थार के मुकाबले में उतना तो इसमें स्पेसियस नहीं है, बट फिर भी ये प्राइस के हिसाब से देखें और बाकी चीज़ों से तो ये ठीक लग रही है मेरे को। बाकी इसको तो यूज़ करने के बाद ही ओवरऑल एक्सपीरियंस पता चलेगा, बाकी जैसा ये बता रहे हैं बाकी वो सब तो ठीक लग रहा है। तो अभी हम टेस्ट ड्राइव पे निकले और रेलवे फाटक बंद है एज यूजुअल, फिर आगे चल रहे हैं अपन। लोग ज़्यादा हम लोग इसलिए जिम में आए, इसलिए मेन मोटिव यही हमारा, लाइक यंगस्टर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसकी ऑन रोड प्राइस क्या पड़ते हैं? इसकी आपको देखिए दो वेरियंट है, ये है तो ये तो आपका जेटा मॉडल है, इसकी आपको पड़ जाएगी 15,24,000 रुपये। और इसका टॉप मॉडल जो आता है अल्फा, उस पर आपका पड़ जाएगा 16,34,000 रुपये। तो उसमें अल्फा में थोड़ी क्या चेंजेस है उसमें? अल्फा में सर आपको जैसे कि ड्यूल टोन वगैरह मिल जाएगा, लाइक आप देखते हैं तो ड्यूल टोन वगैरह मिल जाएगा उसमें, उसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा, इसमें आपको स्टील व्हील रहता है। ओके, ये डिफरेंसेस रहती है। और थोड़ी बहुत इंटीरियर में चेंजेस होंगे? हाँ, बाकी सब फीचर सेम ही है सभी, लाइक गाड़ी का जो लेंथ वेट हाइट वगैरह माइलेज वगैरह सारा चीज़ सही सेम है। स्पेसिफिकेशन अरे बगल में 5-10 मिनट 5-10 मिनट 2 मिनट 1 मिनट यहीं से ले लेंगे। लेफ्ट या राइट ठीक है सर, सीधा मतलब राइट लेके सीधा। इधर ही घर है तुम लोग का? घर इधर ही है तुम लोग का? तो ऑफ रोडिंग करके गाइस मजा आ रहा है। ऑफ रोडिंग मजा है, ऑफ रोडिंग। आप बताओ किधर चले? इधर तो चले सीधा, आप देखते हैं। हाँ हाँ तभी तो रास्ता कहाँ निकलेगा? अबे पता है रास्ता किधर जाएगा? हम जितने भी
थार वगैरह में होता है कि जर्किंग पता नहीं चलती है, लेकिन वो बाकी गाड़ियों में बाकी बहुत ज़्यादा बाउंसिंग आती है। इसका एक्चुअली ऑफ रोडिंग है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है। राइट दिखेगा राइट ले लेंगे, हाईवे पे निकल जाएगा। तो नहीं निकलेगा। इधर से लगता है निकल जाएगा। हाँ? गाड़ी आगे की विंडोज जाओ ये भैया, रोड पे किधर से निकलेगा? हाईवे पे ऑफ राइट की सर करवाते हैं। हेलो, न्यू मॉल बन रहा है मुजफ्फरपुर का, नहीं मुजफ्फरपुर का ही नहीं, नॉर्थ बिहार का। हाँ, पुल्ली के अंदर इंडिकेटर, पूरे नॉर्थ बिहार का सबसे बिग मॉल बनने जा रहा है। ऐसे आने में सुविधा होगा। फीचर्स के बारे में बताइए अब थोड़ा। इसमें फीचर कंप्लीटली ऑफ रोडिंग गाड़ी है। okay. इसमें फोर व्हील ड्राइव आपकी गाड़ी है, ये किसी भी लाइक मडी एरिया या पहाड़ों पे आसानी से जा सकते हैं। इसमें एक दो मेन फीचर्स है, हील होल्ड असिस्ट, लाइक सपोज कि कभी आप किसी पहाड़ पे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो गाड़ी जो है आपकी नीचे आने की कोशिश करेगी, तो आप उस केस में आपको 3-4 सेकंड का पॉज मिलता है, उस पॉज में आप अपने गियर को चेंज करके ऊपर जा सकते हैं। मतलब गाड़ी अपने प्लेस पे ही रहेगी, प्लेस पे ही रहेगी। उसके बाद आपका है कि हिल डिसेंट कंट्रोल, लाइक हिल डिसेंट कंट्रोल, लाइक किसी पहाड़ से आप नीचे उतर रहे हैं उस केस में भी गाड़ी अनबैलेंस हो सकती है, सेम उसके सेम रहेगी, 3-4 सेकंड का पॉज रहेगा। और आपने ये नया फीचर बताया है कि इसको इसमें जब हैंड ब्रेक लगाते हैं तो अपने आप इंजन ऑफ हो जाती है। हाँ, अपने आप ये ऑफ हो जाती है, जब भी फिर आप इसे क्लच लेंगे तो फिर इंजन स्टार्ट हो जाएगी। ये फ्यूल सेविंग का नया वो तरीका है, जैसे बाइक में आई स्मार्ट आया था उसमें भी, जिमनी में आई स्मार्ट आ गई। एग्जैक्टली exactly. फिर इस पे आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल तो आपको पता होगा लाइक कि किसी में हाईवे पे जा रहे हैं उस केस में अगर आपके पाँव पैर में कभी प्रॉब्लम, लाइक आप एक्सीलेटर वाली प्रेस कर रहे हैं ज़्यादा थक ना जाए, इस कारण से क्रूज कंट्रोल है। फिर आपका यहाँ पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल है, कॉल रिसीविंग फीचर्स है इसमें दे रखा है। बट इसको ऐसे इसको थार से कैसे कंपेयर करते हैं कि थार से बेटर है आपके लिए? थार से हम किसी का कंपेयर लाइक किसी को बेटर या खराब नहीं कह सकते, बेटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप आपकी ये कंपनी है, आप इसको बेचना चाह रहे हैं, इसके कंपैरिजन हम ये कह सकते हैं लाइक ये टोटल ऑफ रोडिंग गाड़ी है। थार का कहेंगे तो वो बल्की लुक है, बट ये लाइक इसमें आप फैमिली लेके भी जा सकते हैं, उसमें जा तो उसमें भी सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है डोरिंग। उसमें आपको 3 डोर मिलेगा, इसमें आपको 5 डोर फीचर है, ये तो इसमें अच्छी फीचर है कि 5 डोर नॉर्मल फीचर, फैमिली भी इसे पसंद करते हैं। इसके कलर्स को देख सकते हैं, अभी हम चला रहे काइनेटिक येलो कलर है हमारे पास में, ग्रे कलर आएगी, ब्लैक कलर आएगी, रेड कलर आएगी हमारे पास में, तो काफी कलर्स हैं हमारे पास। गाइस ओवरऑल इंटीरियर भी अच्छी है इसकी, बट उतनी स्पेसियस नहीं है, बट अच्छी है गाड़ी ये भी, इसमें कुछ ख़राबी नहीं है। और जैसा इन्होंने फीचर्स बताया है कि बाकी थार से की कंपैरिजन किया है वो भी अच्छी है। चलिए हमारा फाटक खुल गया, आगे बढ़ते हैं।
100K पे लेंगे आप। 100K पे? हाँ आप लीजिएगा। जरूर लूँगा, बस 100K कल करवा दो, कल ले लूँगा। गाइस अगर आप चाहते हो कि मेरे पास भी जिमनी हो तो प्लीज 100K करवा दे मेरा। जिमनी को भी देख के बोलता था। सो गाइस मेरा टेस्ट ड्राइव हो चुका है और गाड़ी ओवरऑल मेरे को तो ठीक लगी है। आप चाहे तो उसको टेस्ट ड्राइव करके आप सोच सकते हैं आपको लेना है या नहीं लेना है। तो बाइक तुम बताओ तुम्हें टेस्ट ड्राइव कैसी लगी? अच्छा लगा। तुम भी कुछ बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा।